एससीओ के अंतर्गत भाषा संबंधी बाधाओं को हटाने के लिए हमें भारत के एआई बेस्ड लैंग्वेज प्लेटफॉर्म भाषिणी को सभी के साथ साझा करने में खुशी होगी। यह डिजिटल टेक्नोलॉजी फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ का एक उदाहरण बन सकता है। यूएन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में भी सुधार के लिए एससीओ एक महत्वपूर्ण आवाज बन सकता है। मुझे खुशी है कि आज ईरान एससीओ परिवार में एक नए सदस्य के रूप में जुड़ने जा रहा है। इसके लिए मैं राष्ट्रपति रायसी और ईरान के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हम बेलारूस की एससीओ सदस्यता के लिए मेमोरेंडम ऑफ ऑब्लिगेशन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत करते हैं। आज एससीओ से जुड़ने में अन्य देशों की रुचि इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्व का प्रमाण है। इस प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि एससीओ का मूल फोकस मध्य एशियाई देशों के हितों और आकांक्षाओं पर केंद्रित रहे। एक्सलेंसी, आतंकवाद, क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति के लिए प्रमुख खतरा बना हुआ है। हम चुनौती से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। आतंकवाद चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी अभिव्यक्ति में हो, हमें इसके विरुद्ध मिलकर लड़ाई करनी होगी। कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को अपनी नीतियों के इंस्ट्रूमेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादियों को पनाह देते हैं। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे गंभीर विषय पर दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग के से निपटने के लिए हमें भी आपसी सहयोग बढ़ाना चाहिए। इसमें एससीओ के रेड्स मैकेनिज्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे देशों के युवाओं के बीच रेडिकलाइजेशन के फैलावे को रोकने के लिए भी हमें और सक्रिय रूप से कदम उठाने चाहिए। रेडिकलाइजेशन के विषय में आज जारी की जा रही ज्वाइंट स्टेटमेंट हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सलेंसी, अफगानिस्तान की स्थिति का हम सभी की सुरक्षा पर सीधा प्रभाव पड़ा है। अफगानिस्तान को लेकर भारत की चिंताएं और अपेक्षाएं एससीओ के अधिकांश देशों के समान है। हमें अफगानिस्तान के लोगों के कल्याण के लिए मिलकर प्रयास करने होंगे। अफगान नागरिकों को मानवीय सहायता, एक समावेशी सरकार का गठन, आतंकवाद और ड्रग तस्करी के विरुद्ध लड़ाई तथा महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। भारत और अफगानिस्तान के लोगों के बीच सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। पिछले दो दशकों में हमने अफगानिस्तान के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए योगदान दिया है। 2021 के घटनाक्रम के बाद भी हम मानवीय सहायता भेजते रहे हैं। यह आवश्यक है कि अफगानिस्तान की भूमि पड़ोसी देशों में अस्थिरता फैलाने या एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को प्रोत्साहित करने के लिए उपयोग न की जाए।